हेलो फ्रेंड्स, आप फूलों के शौकीन हैं जो कि हर कोई होता ही है। फूल तो हर किसी को अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि आपका बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भर जाए, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। मैं आज ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिससे कि आपका जो बगीचा है, गार्डन है, कुछ ही दिनों के बाद रंग बिरंगे फूलों से भर जाएगा। और उसमें हेवी फ्लावरिंग पाने के लिए क्या करना होगा, कैसी मिट्टी प्रिपेयर करनी होगी, फुल डिटेल्स इसमें मिलेगा। क्योंकि फूल वाले पौधे को फूल प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह का मिट्टी भी प्रिपेयर करना पड़ता है। फूलों वाले पौधों में फंगस का अटैक भी अच्छा खासा हो जाता है अगर आप उसकी केयर सही से नहीं करोगे। तो इसकी किस तरह से केयर करनी है, कौन से फूलों वाले पौधे के लिए कौन से पॉट लेने हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में मिलेगी। फूलों वाले पौधे हैं तो फूल का तो नखड़ा होता ही है। अगर आप नखड़ा उठाना चाहते हो तो ये सारे फूल आप ले लो। बेशक थोड़ा मोड़ा आपको नखड़ा उठाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बदले में ये बहुत ही खूबसूरत फूल देते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। जाड़े का सीज़न फूलों के लिए ही होता है, तो आप इन सब फूलों को किस तरह से लगाओगे और कौन सी मिट्टी लगाओगे, पहले मैं यहाँ पे मिट्टी का प्रिपरेशन बताती हूँ। मिट्टी के लिए आपने 4 का प्रोपोर्शन लेना है, जिसमें की है गार्डन सोयल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट। और हल्दी पाउडर है तो हल्दी पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। हल्दी जो पाउडर जो होता है वो फंगीसाइड का काम करता है। अगर आपके पास आप हल्दी पाउडर नहीं डालना चाहते हो तो इस तरह का एक पैकेट आता है सर्फ का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट होता है। तो ये पाउडर मिला के आप 1 स्पून मिला के आप इसको जैसा आपका गमला प्रिपेयर करो उसी हिसाब से पाउडर डाल के आप मिट्टी प्रिपेयर कर लेना। तो ये है पहला प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, ये पत्तों वाला प्लांट ही है। इसकी सारी खूबसूरती, सारी ब्यूटी इसके लीफ में होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये नर्सरी में अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया, हर नर्सरी में अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है, और जैसे जैसे विंटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी खूबसूरती में निखार बढ़ती ही जाएगी। इसका जो कलर है और ज़्यादा ब्राइट होगा, ये और 2-3 कलर में आता है, एक ऑफ वाइट कलर में भी आता है, और भी 2-3 कलर है, और सबसे प्यारा सबसे खूबसूरत ये रेड कलर लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इनका नाम है पॉइनसेटिया। ये नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा, और इसका प्राइस 185 था। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, और साथ ही साथ ये भी बता दूं ये बहुत ही डेलिकेटेड प्लांट होता है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी केयर बता देती हूँ ताकि आप नर्सरी से लेके आओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए एकदम वेल ड्रेन सॉइल बनाना, मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो इसको वाटरिंग की नीड होती है, और इसको बहुत तेज़ धूप में मत रखना, ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे सुबह के 2-4 घंटे की धूप भी पड़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि धूप नहीं पड़ना चाहिए। और ये प्लांट को थोड़ा ख़ास केयर करना, अगर ये प्लांट ख़राब हो गया फिर रिवाइव नहीं होता। हाँ, बेशक आप इसकी कटिंग लेके दूसरा प्लांट, नया प्लांट बना सकते हो, ये प्लांट कटिंग से ईजिली बन जाता है। और इसके पॉट की साइज़ बोलूँ तो इसको 6 से 8 इंच की पॉट दो तो बेटर रहेगा, और ये परमानेंट प्लांट है, सालों साल आपके साथ रहेगा अगर आप इसकी अच्छी सी केयर करोगे तो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है डेंथस। बहुत ही क्यूट लगते हैं, और इसमें फूल ज़्यादा पत्ते कम दिखेंगे, पूरे फूलों से भर जाता है, एक छोटा सा गुलदस्ता लगता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट, छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं इसमें। विंटर का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होगा, इसकी सूरज की रोशनी और पानी की सही मात्रा इसको मिलते रहे तो ये फ्लावर्स देते रहेंगे, मस्त फ्लावर देंगे। बहुत तेज़ धूप से बचाना है बस, बहुत तेज़ धूप नहीं पड़नी चाहिए तो इसको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा मस्त खिलता है बहुत। और इसकी वैरायटी की बात करूँ तो इसमें और बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे, कलर्स का भरमाल है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको छोटे से पॉट में 4 से 6 इंच के पॉट में लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और पॉट का ड्रेनेज सिस्टम का बिल्कुल ख्याल रखना कि उसमें प्रॉपर होल हो, पानी आप डालो और नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाए, पानी बिल्कुल भी जमना नहीं चाहिए, अगर पानी जमता है तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो फ्लावरिंग प्लांट को थोड़ा सा बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइजर भी देते रहें, बहुत ही मस्त चलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डेंथस। और बहुत सारे नर्सरी में सैपलिंग मिलना स्टार्ट हो गया, मेरे ख्याल से सैपलिंग लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। सैपलिंग आपको 10, 15, 20, ये हर एक स्टेट के नर्सरी पर डिपेंड करता है, किसी में 10 रुपये, यहाँ पर 10 रुपये में मिलना स्टार्ट हो गया, तो आप चाहो तो सैपलिंग भी ले सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट विंटर का
वन ऑफ द बेस्ट प्लांट, बहुत ही खूबसूरत लगता है, इनका नाम है पैंटास। इसमें भी आपको कलर मिल जाएंगे, और इसमें जो ये जो आप फूल देख रहे हो ये 8 से 10 दिन तक यूं ही बना के रखता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बुके की तरह लगता है। बहुत सारे लोग इसको बाउंड्री की तरह भी यूज़ करते हैं, और इसके लश ग्रीन कलर का जो लीफ होता है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी भी मिट्टी भुरभुरी सी बनाए, एसिडिक सॉइल पसंद करती है, और जब नीचे की तरफ आप इसके लीफ को लटकता हुआ देखें तब इसमें पानी डाल दें। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, इनका नाम है सेलोसिया, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके कलर आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, एक है ऑरेंज और दूसरा है येलो, और भी कलर आपको मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इनको भी बहुत सारे लोग बाउंड्री की तरह लगा के रखते हैं। और दूसरा जो प्लांट है वो तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इनका नाम है अलाइसम, और आप देख ही रहो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये छोटे से पौधे बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इनमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और इसको धूप में रखो, बहुत तेज़ धूप भी नहीं, और इसकी मिट्टी जब बना रहे हो तो वेल्ड्रन बनाना, इसका बहुत ध्यान रखना, इसकी नियमित पानी देना होता है, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो, वरना ज़्यादा गीली होने से पौधा ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत, और टाइम टू टाइम आपको इसमें फर्टिलाइज़र, मतलब जितना भी मैंने दिखाया सब में आपको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देना होगा। मैंने पहले ही कहा था ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसको फर्टिलाइज़र की नीड अच्छा खासा होता है। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, और ये जो है पॉपुलर गार्डन फ्लावर है, जो अपने वाइब्रेंट कलर और शेड लविंग नेचर के लिए जाना जाता है, और इनको कहते हैं इम्पेशेंट। इसको कई जगह बालसम या बिजी लिजी भी कहा जाता है। ये आसानी से उगने वाला और कम देखभाल वाला पौधा है, इसको आप लगाओ, श्योरली लगाओ, इस सबसे कम देखभाल वाला पौधा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इनकी सनलाइट की बात करूँ तो ये आधी धूप आधी छांव वाले जगह पे मस्त खेलता है, और इनका जो सॉइल बनाना, मॉइस्ट बनाना, वेल्ड्रन बनाना तो बहुत मस्त चलेगा, और वाटरिंग, रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है इसको, बहुत ही लेस केयर में चलने वाला। विंटर में, विंटर के सारे फ्लावर में ये फ्लावर ऐसा है जो बहुत ही लेस केयर में चलेगा। तो और इसमें कलर भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, सिर्फ एक ही कलर के नहीं होते, बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, इनका नाम है ग्लैक्सोनिया। ये एक सुंदर और रंग बिरंगे फूलों वाला पौधा होता है, जो अपने वेलवेट और बेल शेप्ड फूलों के लिए जाना जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो पौधा होता है बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, ये आसानी से इनडोर पॉट में छोटा सा कंटेनर में इजिली हो जाएगा, और इनमें फूलों के कलर्स भी आपको काफ़ी मिलेंगे, वाइब्रेंट और डीप कलर में आते हैं, जैसे लाल हुआ, बैंगनी आप देख रहे हो, नीला, सफ़ेद, गुलाबी, फूलों बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं इसमें। और ये सब जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, और ये परमानेंट ही समझो कि ये परमानेंट प्लांट है। तो बहुत ही खूबसूरत, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में ये अच्छे से खिलता है, डायरेक्ट धूप इनके पत्तों को जला सकता है, इसलिए इन्हें फिल्टर्ड सनलाइट या इंडोर रखना ज़्यादा सही रहेगा। और इनको भी आप वेल्ड्रन सॉइल में, एसिडिक सॉइल पसंद करता है तो इसी टाइप का सॉइल बनाना, ठीक है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, सैकुलेंट प्लांट, इनका नाम है क्रैसुला ओवाटा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इनकी केयर जो जेट प्लांट होती है, दिखने में आपको जेट प्लांट जैसा ही लग रहा होगा, उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, हालांकि हम लोग जेट प्लांट की कोई केयर नहीं करते हैं, फिर भी ये मस्त चलता है। तो इसको भी आप डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, बट बहुत तेज़ धूप इसको हार्श कर देगा, इसके पत्तियों को जला सकता है। तो इस तरह से आप इसकी केयर करोगे तो वेल्ड्रन सॉइल में बनाओगे तो बहुत ही मस्त चलता है। और ये दूसरा जो प्लांट है ये विंटर का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, इनको डॉग फ्लावर कहते हैं, क्योंकि इनको, इनके फ्लावर को आप ध्यान से देखोगे नज़दीक से तो इसके फ्लावर का लुक थोड़ा डॉग के फेस की तरह लगता है, इस वजह से इसको डॉग फ्लावर कहते हैं। इनके साइज भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, इनमें भी आपको कलर अच्छा खासा मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इजीली मिल भी जाता है। अभी आपके नर्सरी में शायद अवेलेबल नहीं हो, लेकिन कुछ ही वीक के बाद ही आपको ये डॉग फ्लावर भी मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत, लेस केयर में चलने वाला ये प्लांट होता है। और सनलाइट की बात करूं तो इसको भी फुल धूप चाहिए होता है, थोड़ा सा छाया जगह में भी ये अच्छे से खिल जाता है, और सॉइल वेल्डर बनाए और फर्टाइल सॉइल चाहिए जो एसिडिक हो, तो थोड़ी सी एसिडिक हो तो सही रहेगा। और वाटरिंग, ये पौधा रेगुलर वाटरिंग मांगता है, लेकिन मिट्टी को ज़्यादा गीली नहीं होना चाहिए। और फर्टिलाइज़र की बात करूं तो इसको टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना। और इन्फेस्टेशन की बात करूं तो कीड़ा का लगने का चांसेस तो रहता है, इसके लिए आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके प्लांट में कीड़ा ना लगे, और बीच बीच में आप इसको अच्छे से झाड़ते रहें, पत्ते को इस तरह से डस्ट
साफ करते रहें। और ये देखो ये मेरा प्लांट है, मैंने इसको कटिंग से लगाया है, ये गेंदा है, गेंदा हर कोई जानते हैं, मैरी गोल्ड, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपको ये वाला गेंदा अगर कहीं पे आपको नेबर वगैरह में मिलता है तो इसकी छोटी सी छोटी कटिंग अभी भी आप लगाओगे तो आपके पास इतना बड़ा प्लांट हो जाएगा, अभी कुछ दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप गेंदा प्लांट को फ्री में लगा सकते हो, या फिर आप सैपलिंग भी ले लो, 10 रुपये की सैपलिंग मिल रही है, 10-15-20 में मिल जाएगा, 20 के अंदर में आपको सैपलिंग मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, इनके फ्लावर्स जो पूरे बड़े बड़े से खिलते हैं बहुत ही प्यारा लगता है, मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड आप मुझे लगता है आप कटिंग से लगा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत ईजिली छोटी सी छोटी कटिंग से ये लग जाता है, या फिर आप सैपलिंग भी खरीद सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, विंटर का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, इनका नाम है पिटूनिया। पिटूनिया एक समर वाला जो होता है वो अलग होता है, ये विंटर वाला होता है, ये अलग होता है। इनको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा के रखोगे तो बहुत ही मस्त चलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कलर्स भी आपको जम के मिलता है, तो बहुत ही खूबसूरत, और इसकी भी ज़्यादा कुछ केयर नहीं करनी पड़ती। और ये जो विंटर वाला पिटूनिया है ये तो बहुत दिन से मैं किसी किसी के गार्डन में देख रही हूँ कि खिल रहा है, तो इसको भी आप लगा सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जो आप पूरे साल लगा सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा नीड नहीं होता है, बहुत ही मस्त चलता है, ये किसी सीज़न का मोहताज नहीं होता, हर सीज़न में खिलता है, पूरा परमानेंट प्लांट आपके साथ बना के रहेगा। और इसका नाम है क्राउन ऑफ थ्रॉन्स, इसको आप एक बार बाय कर लो फिर कटिंग करके पीसीओ प्लांट इजली बना सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, ये कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, एक पत्तों वाला प्लांट है, इसकी सारी खूबसूरती इसके पत्ते में होती है, जैसे कि आप देख रहे हो रेड रेड कलर का, और इनका नाम है एंथोरियम। बहुत ही खूबसूरत लगता है, हार्ट शेप का जो इसका पत्ता होता है, ग्लॉसी टेक्सचर का होता है, बहुत ही प्यारा लगता है, और ये पूरे साल आपके साथ बना के रहेगा, कोई ये विंटर स्पेशल नहीं है, अगर मैं कहूँ कि गर्मी स्पेशल है तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन बहुत पूरे साल आपके साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जाड़े में इसको रखने में, बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंड उनके लिए थोड़ा सा ये प्लांट दिक्कत करेगा। वैसे ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, अगर आप नर्सरी जा रहे हो तो इस प्लांट को भी आप बाय कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लेस केयर में चलने वाला प्लांट है, मॉडरेट वाटरिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखें तो बहुत मस्त चलेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से ये सारे जो मैंने पौधे बताए हैं आप ये सारे पौधे को इजीली बाय कर सकते हो। कुछ पौधे के आपको सैपलिंग मिलना स्टार्ट हो गया होगा, कुछ पौधे होंगे जिसके सीड्स आप अभी लगा सकते हो, अभी लगाओगे तो फिर आपको अक्टूबर लास्ट लास्ट तक अच्छे से फ्लावर्स देना स्टार्ट कर देगा। और कुछ के आप प्लांट खरीद सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स थोड़े थोड़े से आ गए हैं, जैसे कि मैंने पहला प्लांट बताया था वो आपको श्योरली मिल जाएगा, क्या कौन सा बताया था, क्या नाम था, पॉइनसेटिया, पॉइनसेटिया पूरा नर्सरी में भर के मिल जाएगा अभी, और सारे भी मिल जाएंगे। और सैकुलेंट्स की भी कुछ वैरायटी आना शुरू हो गई है, कुछ विंटर स्पेशल सैकुलेंट्स होते हैं जो सिर्फ विंटर में ही रहते हैं, जैसे आपके गेंदा और मैरीगोल्ड ये सारे होते हैं, वो सारे उसी तरह से ये सैकुलेंट्स भी विंटर स्पेशल ही होगा, पूरे साल आपके साथ नहीं रहेगा, ये आप पहले से प्रिपेयर करके रहें तो सही रहेगा, फिर आपका सैकुलेंट ख़राब हो जाएगा तो आपको लगेगा मेरा पैसा व्यर्थ गया। और आप क्वेश्चन आता है कि क्या नहीं ले, तो ये मॉस्टर्स है, मॉस्टर्स का सीज़न आप धीरे धीरे जाने वाला है, ऑलमोस्ट जा चुका है, आपके पास अगर है तो इसकी मोटी मोटी ब्रांचेस को रख ले, सेफली रख ले, तो ये नेक्स्ट सीज़न आपका काम आ जाएगा, बट अभी बाय करने का कोई नीड नहीं है। तो इस तरह से आप देख लो कि कौन कौन से समर स्पेशल है, कौन कौन से विंटर स्पेशल है, समर स्पेशल भी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं तो उसको आप बाय कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड पड़ती है तो उस टाइम पर ये पौधे डोरमेंसी पर चला जाता है, तो वो आप बस ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होता है। फ्रेंड्स ओके जी, बाय बाय बाय, फाना बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना।